हेलो गाइस, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कॉइन इन्फो पे। तो जैसा कि आज आप देख पा रहे होंगे, पॉलीगॉन मैटिक के अंदर काफ़ी बड़ा उछाल आया है। ये $2 तक की रैली शो कर सकता है। इसकी वैल्यू 1.65 हो रखी है। अभी से पहले 1.30 तक हवर कर रही थी। 11.55% से इंक्रीज़ हो रखी है। मार्केट कैप 11.77% से इंक्रीज़ हो रखा है $10 बिलियन तक का। उसके अलावा डाइल्यूशन 11.55 तक इंक्रीज रखी है। उसके अलावा वॉल्यूम को 84.83% से इंक्रीज रखा है। वॉल्यूम का इंक्रीज़ होने का मतलब आज के दिन में इससे ट्रेडिंग कितनी हो रही है, ट्रेडिंग ज़्यादा हो रही है। इसका मतलब इसके अंदर बुल्स उतर चुके हैं, यानी वैल्यू $2 तक जाने के बहुत हाई चांसेस लग रहे हैं। उसके अलावा थोड़ी सी टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। तो जैसा कि आज आप देख पा रहे होंगे, इसने एक एक दिन के टाइम फ्रेम में हम लोग दिखाते हैं आपको, यहाँ से ये सीधा सीधा यहाँ पे आया। ये क्या नाम है, एक दिन का नहीं, असलियत में ये 21 जुलाई से आज की डेट, मतलब आज की डेट तक ये यहाँ पे आया। फिर उसके बाद ये एक बुल फ्लैग फॉर्मेशन है। इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर मैं आपको छोटे टाइम के हिसाब से दिखाऊं तो देखिए, ऐसा रहा इसका कुछ जर्नी। 4 सितंबर को इसकी वैल्यू 1.4 से 1.6 गई और चांसेस बहुत हाई हैं कि ये ऊपर निकल जाए। देखिए यहाँ पे ये एक दिन के चार्ट के हिसाब से मैंने ये लाइन ड्रॉ की थी, जो कि बुल फ्लैग फॉर्मेशन के बारे में बता रहा था। तो देखिए, जो ये आई थी, क्या नाम है, इसकी डेट थी 10 अगस्त। 10 अगस्त वाले दिन इसने $1.15 का मार्क क्रॉस किया। अच्छी बात है, जब भी ये क्रॉस करता है इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलती है। आप ये गौर करिएगा, इसमें और एडा में सेम ट्रेंड रहा है। फिर उसके बाद एक और इसने क्रॉस करने की कोशिश की, 1.528 का रेजिस्टेंस, लेकिन उसमें थोड़ा सा इसको पुल बैक देखने को मिला, लेकिन ये नीचे की तरफ आके रुक गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसने जो पहले क्रॉस किया था अपना रेजिस्टेंस 1.310 का, अब ये इसका सपोर्ट बन चुका है। तो भाई साहब, सपोर्ट का काम किया और उसको पावर दी कि ये वापस ऊपर जाए। इसने पावर दी, ये फिर से ऊपर गया और इस बार इसने ब्रेकआउट कर दिया थोड़ा बहुत कश्मकश के बाद। तो इसका कश्मकश आप देख ही पा रहे होंगे। फिर उसके बाद इसने अगले रेजिस्टेंस का ट्राई मारा। इसका रेजिस्टेंस था 1.680। फिर इसने ट्राई मारा, ये नीचे आई। लोगों को लगा हाँ ठीक है, स्टेबल हो रही है। इसने यहाँ पे बाई किया होगा, उसने थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकाल के यहाँ पे बेच दिया होगा। फिर यहाँ से नीचे आई, ये सपोर्ट भी नहीं बचा पाया इस बार तो इसको। फिर ये नीचे आई, फिर इस बार इसने सपोर्ट, मतलब इस बार जो सपोर्ट से जब नीचे गिर जाती है ना कोई वैल्यू, तो उसके लिए अगली रेजिस्टेंस बन जाती है फिर से। तो ये फिर से नीचे आई, फिर इसने रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, ये नीचे गिर गई और ये सबसे नीचे आ गई, 1.310 पे वापस से। और वो ये तो बहुत बुरी बात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसके अंदर अब इन्वेस्टर्स आए। इन्वेस्टर्स और जितने भी नए नए लोग थे और जितने पुराने लोग थे, उनको पता चल गया इसकी वैल्यू अब नीचे आ चुकी है और इसको $2 तक की जर्नी अभी क्रॉस करनी है जल्दी ही। तो इसमें लोगों ने लगाना स्टार्ट किया और इससे आपको एक और बात पता चल जाती है, मैटिक के अंदर लोगों का ट्रस्ट। तो ये ऊपर गई, ओके, इसने 1.528 का डॉलर का मार्क क्रॉस किया, काफ़ी अच्छी बात है। फिर उसके बाद अब ये इसकी तरफ भाग रही है, 1.680, एक सेकंड के लिए, मतलब कुछ देर के लिए, एक सेकंड नहीं, उस देर के लिए ये इसके ऊपर भी चली गई, यानी चांसेस बहुत हाई हैं कि ये ऊपर चली जाए। तो ये $2 तक की जर्नी क्रॉस कर सकती है मेरे टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से। ये कोई फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, जैसे ये एक एजुकेशन के लिए वीडियो है। तो अगर आप लोग ने मैटिक के अंदर लगा के रखा है तो प्लीज़ अभी होल्ड करिए, अभी सेल मत करिएगा। $2 हो सकता हो, चलिएगा जल्दी ही। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय गाइस।